यू स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी. टुडे वी आर टेकिंग साइंस, 12th साइंस मैथ्स 1, दैट इज लेसन नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इन दैट इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द थ्योरम 3.1, दैट इज अबाउ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई. फ्रॉम दैट थ्योरम वी कम टू नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन फंक्शंस. टुडे वी आर टेकिंग थ्योरम नंबर 3.2, दैट इज कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, एंड वी हैव टू फाइंड एक्स इज इक्वल टू 2n पाई पॉजिटिव नेगेटिव वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इन लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द इंटीजर्स. इंटीजर्स इज ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो नंबर लाइन इंक्लूडिंग ऑल द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन. सो रिमेंबर दैट थिंग, n इज इंटीजर, z इंडिकेट इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ऑल द नंबर्स. हियर व्हाट इज द गिवन, गिवन इज cos x equals to cos y. सो विल सॉल्व द थ्योरम और डिराइव द फॉर्मूला. सी दैट हियर विल टेक दिस cos x टू लेफ्ट हैंड साइड. हम अगर cos x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते तो वो ऐसा बनता है cos x माइनस cos y, यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे निगेटिव हो गया, इक्वल्स टू जीरो. अभी ये हो गया cos a माइनस cos b का फॉर्मूला. तो cos a माइनस cos b के फॉर्मूले में क्या आता है, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू sin x माइनस y इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा. तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पे, अगर ये आता है तो हमें ये इधर ये समझ में आता है यहाँ पे 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin इन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा. ये ना तो समझ में आया होगा आपको. अभी हमें एक बात पता होना चाहिए कि ये जो दोनों में से किसका, ये तो टू तो चला जाएगा, टू कभी जीरो नहीं हो सकता. साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो, इसमें से एक कोई तो क्या होगा, जीरो होगा. इसमें से कोई एक तो क्या होगा, जीरो होगा. तो वो हम देखेंगे कैसा होगा वो जीरो. तो अगर ये टू जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो. समझ में आ रहा, बहुत इजी है. तो आगे हमें क्या पता चलेगा, ये जो है पार्ट, ये एक्स प्लस वाई अपॉन साइन जीरो कब बनता है, हमें पढ़ा है साइन जीरो कब बनेगा, एन पाई को. साइन जीरो कब बनेगा, एन पाई को. तो क्या आएगा इधर, साइन जीरो कब बनेगा, देयर फोर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो, कब लेकिन एन पाई को. कब मिलेगा साइन थीटा जीरो, एन पाई मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई को हमें साइन जीरो मिलता है. लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा है. तो यहाँ पे भी क्या लिखेगा, हाँ क्या आएगा, ये आएगा. जीरो के जगह क्या वैल्यू आएगी, एन पाई और सॉरी और लिखना भूल गए. समझ में आया. तो ये टू जो है ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. इधर का मल्टीप्लिकेशन टू, डिवीजन का टू मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहाँ भी डिवीजन का टू यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा. तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू एन पाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू एन पाई और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू एन पाई, ये हो जाएगा. समझ में आया. तो आगे हम देखते हैं ये वाई यहाँ पे जो पॉजिटिव हुए यहाँ पे निगेटिव होगा और ये जो वाई यहाँ पे निगेटिव हुए वो पॉजिटिव हो जाएगा. देयर फोर एक्स इक्वल्स टू टू एन पाई, एक्स इक्वल्स टू टू एन पाई माइनस वाई, ये जो वाई यहाँ पे पॉजिटिव हुआ वो यहाँ पे निगेटिव हुआ और यहाँ पे जो वाई है वहां जाके पॉजिटिव होगा. एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस वाई. अभी ये दोनों सेम है, इसमें डिफरेंट क्या है, खाली इस y का, ये y नेगेटिव है ये y पॉजिटिव. तो इसको हम कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टू एन पाई पॉजिटिव और नेगेटिव y, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ये हमें प्रूव करने का था. ये था थ्योरम 3.2, बहुत इजी है. ये हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ये किसके लिए फॉर्मूलाज हम डिराइव कर रहे हैं,
कि हमें इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालने का है. क्या निकालने का है? जनरल सॉल्यूशन. ध्यान में रखो बहुत ही इजी है, ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट ही बहुत इजी है और इसमें खाली फॉर्मूला ध्यान में रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है. मैथ्स इज द इजी सब्जेक्ट. सो रिमेम्बर दिस थिंग कि ये हम जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने कॉस फंक्शन के सब जनरल सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमें फॉर्मूला ये मिलेगा. क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू 2n पाई पॉजिटिव नेगेटिव वाई. ये ध्यान में रखने का. और आप लिखना चाहे तो ये लिख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप. अगर हम ये हो गया 3.2 थ्योरम, हमने पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो देखो पार्ट नंबर 2 है जो, उसमें देखिए उसमें हमने पूरा डिटेल में लिया है. उसमें साइन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया है. ये है कॉस फंक्शन का फॉर्मूला. अभी नेक्स्ट हम देखते हैं टैन फंक्शन का फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे. उसका मतलब वो है थ्योरम 3.3. हम टैन फंक्शन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे 3.3. उसमें क्या दिया है? टैन एक्स माइनस टैन वाई. उसमें क्या चाहिए हमें? तो हमें प्रूव करने का है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई. क्या करने का हमें? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, ये आएगा. और यह रिमेम्बर दैट अगेन हियर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है. समझ पा रहे हो? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स करके बताओ, कमेंट्स करके बताओ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है. वो जो आपका प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे. तो आगे बता, ये हमें प्रूव करने का है. तो इसमें हमें दिया है टेन एक्स माइनस टेन वाई. तो हमें इसको डिराइव करते, ये थ्योरम सॉल्व करते, दिया क्या है टेन एक्स माइनस टेन वाई. तो हम टेन सॉरी इक्वल्स टू दिया है यहाँ पे, सॉरी टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई. तो हम इसको यहाँ पे लेते टेन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल्स टू जीरो आएगा ये, क्योंकि ये टेन वाई यहाँ पे राइट हैंड साइड को पॉजिटिव था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को आके निगेटिव हो गया. तो टेन का क्या रहता है? टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये इसका क्या रहता है? इसका ये फॉर्मूला रहता है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेन का ये रेशियो रहता है. तो हम इस टेन के जगह हम ये साइन अपॉन कॉस को पुट करेंगे. देयरफॉर क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस यहाँ पे आएगा साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल्स टू जीरो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन प्लेस ऑफ टेन वी पुट द रेशियो ऑफ टेन, दैट इज साइन अपॉन कॉस. हियर वी हैव लर्न इट इन प्रीवियस क्लास, दैट इज टेंथ. tan theta equals to sin theta upon cos theta. This formula we are using here. Now here we have got cos x and cos y. So we should have take the LCM of this both. हम इसका LCM लेंगे. तो हमें LCM लेने का है. इसका मतलब ये cos इसके multiplication में जाएगा cos y, और एक cos x इसके multiplication में जाएगा. चलो तो लिखते हैं आगे. sin x into cos y, ये minus का minus. फिर आएगा यह साइन वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन, इसका एलसीएम क्या आएगा? अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल्स टू जीरो. अगर ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है यहाँ पे चला गया तो ये जीरो के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. कहाँ जाएगा? वो जीरो के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और वो खुद पूरा टर्म जीरो बन जाएगा. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू जीरो. अगर इसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये बात यहाँ पे समझ में आती है कि ये जो फॉर्मूला है वो है साइन ए माइनस बी. समझ में आ? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है. तो ये क्या है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए. ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं. जैसे कि 2 × 3 = 3 × 2, इस तरह से दोनों को हम जगह चेंज कर सकते हैं. इसमें कोई बात नहीं है ये ऐसा क्यों लिखा. समझ में आया? तो हम इसको वो इसमें लिखते हैं फॉर्म में साइन
एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? कुछ भी कंफ्यूजन होने जैसी बात नहीं। साइन जीरो कब होता है हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पार्ट टू है उसमें पढ़ा है। साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो कब होता है? पाई के मल्टीप्लीकेशन में। कब होता है साइन जीरो? पाई के मल्टीप्लीकेशन में। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एन पाई। क्योंकि जीरो, साइन जीरो कब होगा? क्योंकि साइन थीटा जीरो कब होता है? साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू पाई और पाई और पाई का मल्टीप्लीकेशन में होता है, पाई का मल्टीपल होता है एन पाई। अंडरस्टूड यू? तो यहाँ पे हमें एन पाई मिला। जीरो जीरो कब होगा? साइन थीटा एन पाई में, मतलब पाई के मल्टीप्लीकेशन में। पाई के जितने भी मल्टीपल आते हैं तब साइन क्या होता है? जीरो बनता है। जो मैंने यहाँ पे जो एक सर्कल ड्रॉ करके आपको बताया है वो ध्यान से देखो, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पार्ट टू है उसमें मैंने डिटेल में बताया है साइन कब जीरो होता है, कॉस कब जीरो होता है, तब मैंने ये बताया है, वो वीडियो आप देख लो। अभी समझ में आया ये बात? समझ में आया इसमें कुछ डिफिकल्टी है? साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। साइन थीटा जीरो कब बनेगा? साइन थीटा कब जीरो बनेगा? थीटा जब पाई के मल्टीपल में होगा तब जीरो बनेगा, इसीलिए हमने जीरो की जगह एन पाई लिया। एन मतलब एनी नेचुरल नंबर। सो अभी ये जो हमें वो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स यहाँ पे है तो y वहां जाके n pi प्लस y बन जाएगा। अंडरस्टूड यू? तो हमें यही प्रूव करने का था x इज इक्वल टू n pi प्लस y। ये था अपना 12th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरम नंबर 3.3। वी हैव लर्न साइन रेशियोज, हाउ टू सॉल्व द देयर जनरल फंक्शन, साइन के सब जनरल फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखा हमने। इसके पहले जो था ये कॉस के जनरल फंक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखा। अब ये था टैन के जनरल फंक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने इसमें कवर किया है इस वीडियो में 3.2 एंड 3.3 थ्योरम। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, कुछ कंफ्यूजन करने वाली कुछ बात नहीं इसमें। 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत इसमें आया है जिसमें कि ये इसका रीजन ऐसा भी आता है, यहाँ ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका क्या है साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा है उसके हिसाब से हमने ये लिया है। इसके ये फॉर्मूले का है एक्सपांडेड, हम क्या बोलेंगे एक्सपांड है, इस फॉर्मूले का एक्सपांड है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री लेसन है 11th स्टैंडर्ड में उसमें ये पढ़ा है, तो इसके वजह से इसका हमने इस एक्सपांडेशन का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो इसके बाद साइन कब जीरो होगा, तो साइन जीरो कब बनता है, तो वो पाई के मल्टीपल में जीरो बनता है, इसीलिए जीरो की जगह हमने एन पाई लिखा। और अपना ये फॉर्मूला टैन एक्स इक्वल्स टू टैन वाई के जनरल सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला तो इसी प्रकार से डिराइव हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स करके बताइए। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, पिछले वाला जो वीडियो है वो अच्छे से देख लीजिए आप, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। हमारा जो ये चैनल है स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, कुछ कंफ्यूजन लगता है तो वो भी बताइए। थैंक यू।